लोगों को लॉक किया जा रहा है यहाँ से? मैं उनसे बात, मैं बता दें प्लीज़, अब क्या लोगों को लॉक किया जा रहा है यहाँ से? वही मैं आपको उनसे बात कर रही हूँ, एक सेकंड रुक जाइए जी। मैं वो तो सब बता दी, हो रहा है जो आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो हो रहा है, वो तो डरा रही है। मैं प्लीज थोड़ा बता दें, मैं कब तक ये रात मिलेगी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और महिलाओं को काफी परेशानी है, थोड़ा बता दें मैम प्लीज। थैंक यू, वो आपको बता दें। नहीं आप बता दें कि क्या टू व्हीलर जाम ऑफिशियली जब डिसाइड हो जाएगा। सर बात ऐसे है कि रक्षाबंधन भी आ रहा है और भी लोग सारे बहुत जा रहे हैं, कोई बीमार है कोई कैसे है, जहाँ से जिसने चढ़वाल से दयालिया के जाना हो तो 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन इनको कम से कम 15-20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। इस बीजेपी सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया लोगों का, आप देखते हो ग्राउंड में क्या हो रहा है। देखो ये पुल कब का ये बह गया पुल, और आज तक इनसे बना नहीं जा रहा। ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम उससे मुकाबला कर रहे हैं, हम उससे मुकाबला कर रहे हैं, अरे ग्राउंड में तो देखो यार क्या हो रहा है, ग्राउंड में तो इतनी बुरी हाल। देखो ये हमारी माता बहनें बच्चियां कहाँ से पैदल और कहाँ जा रही हैं, इसलिए सरकार को उखाड़ फेंकना ही बहुत ज़रूरी है। मेरी जनता से अपील है आपके माध्यम से, आप ग्राउंड लेवल की स्थिति देखो क्या हो रहा है। विकल्प रास्ता अगर बना था नंगड़ गहन दिया देने विकल्पिक थोड़े है महाराज, एक काल्पनिक मार्ग है, काल्पनिक विकल्पिक थोड़े है। एक गुंडा करती जड़ी चला दी, शर्म चला दी है, ये साड़ियां देखो माता बहन खड़ोती नहीं, अगर इस रोड पर मोटरसाइकिल चला था तो इसे चलने देना चाहिए, और इनकी गल भी ठीक है भी जहाँ इन्हें ट्रैफिक वाले उधर खड़ोना चाहिए, गब्बे रस्ते से खड़ोई ना बेचारे अग्गे जोगे रहे ना पिछे जोगे रहे। इस करिए मेरी बिनती है माध्यम है मेरी मीडिया के माध्यम कन्ने एक गल आखने जाना, जनता की अपील करना ਬੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਜੀ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਦੇ ਕਿ ਗੜਕਰੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਅਰੇ ਗੜਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। तस्वीरें आप तरना खड्ड की देख रहे हैं, यहाँ पर अभी भी जो वैकल्पिक रास्ता बनाया जाना था तरना पुल के दस जाने के बाद, अभी भी उसका इंतज़ार है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो पुराना वैकल्पिक मार्ग जो एक बनाने की कोशिश जो है वो सरकार द्वारा की गई थी, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा की गई थी, वो अभी भी अधूरा है प्रयास वो, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ये रास्ता बन जाएगा और रक्षाबंधन से ये पहले रास्ता ये तैयार हो जाएगा, लेकिन पिछली बरसात ने यहाँ पर बाढ़ आई और बाढ़ में आए पानी के साथ वो तमाम उम्मीदें जो हैं बह गई हैं। लेकिन अभी तक ये तस्वीरें आप इस वक्त की ताज़ा देख रहे हैं जो तरना नाले की हैं, अभी तक बनाने का प्रयास जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहा है। ये सिर्फ इतना सारा पोर्शन जो मेरे सहयोगी आपको दिखा पा रहे हैं, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहीं से आप पैदल आ और जा सकते हैं, और बाकी गाड़ियों के लिए रास्ता पूरी तरह से बंद है। गाड़ियाँ उस मार्ग से, वो जो बॉर्डर का रोड है उस मार्ग से दूर जा पाएंगी, लेकिन इस मार्ग से गाड़ियों को पूरी तरह से बंद किया गया है। इस समय की तरना की अपडेट यही है कि तरना का जो वैकल्पिक मार्ग है अभी तक नहीं बना है, अभी तक प्रयास जो है उसको लेकर लगातार जारी हैं, कब बन पाएगा उसका भी कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास और ना ही यहाँ के प्रशासन के पास कोई जवाब है। यहाँ पर तहसीलदार हीरानगर यहाँ पर पहुँची हुई थी, उनसे भी जानने का प्रयास किया हमने कि रक्षाबंधन का त्यौहार है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि बहनों ने अपने भाइयों के पास जाना है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, और कोई जम्मू कश्मीर से बाहरी राज्यों में जा रहा है, लेकिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इस परेशानी के बीच ही लोग जो हैं इस पैदल ही इस तरना खड्ड को पार कर रहे हैं, और जो डाइवर्ट किया गया है रूट बॉर्डर रोड से, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जामिंग की स्थिति रहती है, काफ़ी लंबा रूट है, लोगों को कई तरह की परेशानियाँ होती हैं, लेकिन ऐसे में अब प्रशासन की ओर से कोई उचित जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन काम जो है अभी भी जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मशीनरी जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन कब तक ये वैकल्पिक मार्ग बनकर तैयार होगा अभी तक कुछ भी कह पाना जो है वो मुश्किल है, लेकिन
तस्वीरें जो हैं आप तरना नाले की देख रहे हैं, तरना खड्ड जो कि पुल 10 जाने की वजह से जो वैकल्पिक मार्ग इख्तियार किया जा रहा था उसको लेकर लगातार प्रयास जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से किए जा रहे हैं। जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले ये रास्ता बन जाएगा, लेकिन वो रास्ता अभी तक नहीं बन पाया है। चाहे काम कहाँ तक पहुँचा है, काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन कोई भी बताने को तैयार नहीं है। एक अधिकारी यहाँ पर जरूर पहुँची थी, उनको पूछा गया कि मैम क्या लोगों को इस पर आने जाने दिया जाएगा, क्या जो टू व्हीलर्स हैं उनको लो किया जाएगा, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि वो यहाँ से चली गई और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से भी कोई भी अभी कोई उचित जवाब जो है यहाँ पर नहीं आया है। टीम विजिट करने जरूर आ रही है, उम्मीद है जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी और जल्द ही वैकल्पिक मार्ग तैयार होगा, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से साफ कर दिया गया है कि जो पुल 10 गया है इसको बनाने के लिए 7 महीने का समय लगेगा। ऐसे में वैकल्पिक मार्ग जल्द से जल्द तैयार हो और लोगों को असुविधा ना हो, लोगों को राहत मिले, यही जो है हर कोई यहाँ पे चाहता है कि जल्द से जल्द जो राहत है लोगों को दी जाए और चढ़वाल से दैलजा की दूरी जो मात्र कुछ किलोमीटर की है वो जल्द से जल्द लोग तय कर पाएं। तरना खड्ड से सर्वजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए।